समर सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो इस वजह से आप ये मत समझना कि मैंने आइसक्रीम लाया है। तो यहाँ पे ये दो बोल के अंदर मैंने लाया है फेस पैक, एंड जी वी आई थी बीच में, तो उसको मैंने ऐसे गाल पे लगाना चाहा तो नाक के ऊपर सीधा लग गया, बहुत क्यूट लग रही थी वो। सो हेलो एवरीवन, प्रिया है, वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देने वाले दो कूलिंग फेस पैक, जो कि मैंने ऐसे लाए हैं बर्तन में, जो कि वो आइसक्रीम लग रहा है, और इसीलिए जो भी मेरे पीछे पीछे आई थी कि मम्मा आइसक्रीम खा रही है दो दो बोल के अंदर। सो टॉपिक पे आता है, तो इस दो बोल के अंदर दो फेस पैक मैंने बनाए हैं, जो कि बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल से इन्ग्रीडियंट है, एंड बहुत बस मतलब दो ही इन्ग्रीडियंट से बनाए हैं, एक फेस पैक के अंदर दो ही चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट फेस पैक। तो ये फर्स्ट फेस पैक बनाने के लिए आपको चाहिए बेसन, तो यहाँ पे मैंने दरदरा सा बेसन लिया है, जो थोड़ा सा मोटा मोटा होता है वो वाला, ताकि स्क्रबिंग भी हो जाए फेस पैक अप्लाई करते करते। तो यहाँ पे इसके अंदर मैं मिलाने वाली हूँ दही, क्योंकि भाई समर में हम फेस पैक लगाने वाले, जो दही ठंडी हो तो मज़ा आ जाएगा, मतलब चेहरे पर लगाने में मज़ा आएगा, ठंडा ठंडा लगेगा। तो यहाँ पे एक प्रॉपर थिक कंसिस्टेंसी वाला फेस पैक हमें बनाना है, तो ज़्यादा भी दही मिलाना नहीं है। तो आप देख सकते हो मैंने दो या फिर तीन चम्मच मिलाए हैं दही, एंड एक इसका प्रॉपर मैंने फेस पैक बनाया है। अभी आप इसके अंदर थोड़ा सा टर्मेरिक डाल सकते हो या फिर हनी डाल सकते हो, बट मुझे सिंपल से रखना था, क्योंकि उतना टाइम, उतने डब्बे निकालो एंड पोर करो, इतना टाइम नहीं होता। सो सिंपल से दो चीज़ें हमने मिलाई है, अभी दो चीज़ें हमने क्यों मिलाई है वो भी बता दूंगी, एंड इस फेस पैक का बेनिफिट क्या है वो भी बता दूंगी। तो बेसन तो हर एक के घर में होता है, अगर हमने दरदरा सा बेसन लिया है तो जब हम ये फेस पैक रिमूव करेंगे तो स्क्रबिंग भी हो जाएगा फेस का, एंड जो डेड स्किन है ऊपर की वो भी निकल जाएगी, एंड ये फेस पैक कैसे वॉश करें वो भी बता दूंगी बाद में। सो सबसे पहले देखते हैं, जो बेसन है वो स्किन को सॉफ्ट बनाता है। अगर आपने मतलब सबने ही यूज़ किया है यार, आपने नोटिस किया होगा, एक सॉफ्टनेस प्रोवाइड होता है, स्किन ग्लोई होती है, जो भी डार्कनेस है, जो ऊपर ऊपर की डेड स्किन है वो सब कुछ निकल जाती है, इवन जो फाइन हेयर होते हैं फेस के ऊपर वो भी निकल जाते हैं। अगर अगर आप ये रेगुलर यूज़ करते हो बेसन का फेस पैक, तो आपका जो फेस है वो ग्लोइंग बनेगा, ब्राइट बनेगा, जो भी ऐसे अनइवन स्किन टोन है ना वो भी हट जाएगी। पर आपको इसे रेगुलर यूज़ करना है, मतलब रेगुलर मतलब बस एक बार यूज़ किया और दो महीने बाद यूज़ किया ऐसा नहीं, तो मतलब हफ्ते में दो बार तो आप यूज़ कर सकते हो। और बनाना भी बड़ा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सा है, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, बनाइएगा, रिजल्ट जो है वो आपको दिखेगा। और बेसन फेस पैक अगर आप रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हो तो रिंकल्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, जो स्किन को हमेशा यूथफुल एंड यंग बनाती है। तो ये फेस पैक के अंदर हमने ऐड किया है दही भी, तो उसके बेनिफिट्स मैं आपको आगे बता दूंगी। तो पूरे फेस के ऊपर, नेक के ऊपर, बैक के ऊपर भी आप ये फेस पैक अप्लाई कर सकते हो। तो अभी ये फेस पैक मैं अपने फेस के ऊपर रख दूंगी इसे ड्राई होने तक, मतलब 15 मिनट तक। उसके बाद इसे वॉश करने से पहले मैं हल्का हल्का रब कर दूंगी। रब करने से क्या होगा, जो भी डेड स्किन है ऊपर के फाइन हेयर है वो निकल जाएंगे, एंड स्क्रबिंग भी हो जाएगा। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर सकते हो, मतलब क्लीन कर सकते हो। तो आप देख रहे हो फेस वॉश करने के बाद फेस बहुत ज़्यादा से ब्राइट लग रहा है, मतलब ग्लोइंग लग रहा है, एंड ये जो रिजल्ट है वो एक्सटर्नल है। अगर आपको इंटरनल रिजल्ट चाहिए तो आपको ये कंटिन्यूसली मतलब रेगुलर यूज़ करना है, तब आपको जो इंटरनल ग्लो है वो भी मिलेगा, एंड स्किन आपकी इंटरनली ग्लोई बनेगी। तो अभी देखते हैं सेकेंड फेस पैक, जो कि मैंने बनाया है बहुत ही इजी तरीके से, मतलब बस यहाँ पे भी दो ही इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। फर्स्ट चीज़ मैंने यूज़ करी है पाउडर्ड ओट्स, मतलब जो ओट्स होता है उसे मैंने मिक्सी में ग्राइंड किया है, उसका दरदरा सा पाउडर बनाया है, उसके अंदर मैं मिला दूंगी दो से तीन चम्मच दही। तो दही यूज़ करने से हमारी जो स्किन है वो नरिश हो जाएगी, हाइड्रेट हो जाएगी, एंड स्किन का जो हेल्थ है एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहेगा, क्योंकि इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, जो स्किन को हाइड्रेट करते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं। एंड दही के यूज़ करने से स्किन की इलास्टिसिटी जो है वो भी बूस्ट हो जाती है, कोलाजन प्रोडक्शन इंप्रूव होता है, एंड जो भी सनबर्न है, जो भी रेडनेस है, एक्टिव पिंपल्स एंड एक्नेस का, वो भी हल्का हो जाता है, मतलब बहुत ठंडक मिलती है, बहुत कूलिंग इफेक्ट मिलता है दही यूज़ करने से। तो यहाँ पे आप, मैं आपको बताती हूँ ओट्स के बेनिफिट्स। ओट्स रियली मतलब बहुत ज़्यादा स्किन को सॉफ्ट बनाता है ओट्स का पाउडर, और क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा सा दरदरा सा ओट्स का पाउडर यूज़ किया है, तो उस वजह से स्किन का जो है ऊपर का जो डेड स्किन का लेयर है वो भी निकल जाएगा, फाइन हेयर निकल जाएंगे, जो स्किन है वो इंटरनली एंड एक्सटर्नली ग्लोई बनेगी। एंड ओट्स का फेस पैक यूज़ करने से जो स्किन है, डैमेज स्किन है, वो भी रिपेयर हो जाती है, न्यू स्किन डेवलप होने में मदद होती है, स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई, सॉफ्ट एंड सपल बन जाती है। तो आप ये दो फेस पैक जरूर जरूर ट्राई करना, मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगी। तो अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, आप में से बहुत सारे लोग ब्रश यूज करते होंगे फेस पैक अप्लाई करने के लिए। तो इनिशियली मैं भी ब्रश का यूज करती थी फेस पैक अप्लाई करने के लिए, बट बाद में मुझे समझ में आया
कि जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर हीट होती है। जब हम फिंगर से मेकअप लगाते हैं या फिर फेस पैक वगैरह भी लगाते हैं तो जो हीट है उसकी वजह से वो एक तो अच्छे से अप्लाई होता है फिंगर का यूज़ करें इस वजह से, पर जो हीट है उसकी वजह से फेस पैक बहुत अच्छे से वर्क करेगा आपकी स्किन के ऊपर। सो जब भी पॉसिबल हो उस टाइम आप फिंगर का यूज़ करके फेस पैक अप्लाई करें या फिर मेकअप भी अप्लाई करें। एंड मेक श्योर आपके जो हैंड्स हैं वो क्लीन है। ब्रश हम रोज़ वॉश नहीं करते, फेस पैक का ब्रश हो और बाकी कुछ भी मेकअप के ब्रश हो, बट फिंगर्स हैंड तो हम हमेशा ही वॉश करते हैं। और मेकअप वगैरह करने से पहले, फेस पैक लगाने से पहले आपको आपके हैंड्स प्रॉपरली क्लीन एंड सैनिटाइज करने चाहिए। सो ये था थोड़ा सा फ्री का गैन जो कि आपने मांगा नहीं था और मुझे लगा कि आपको दे दूँ। सो यहाँ पे 10 से 15 मिनट के लिए मैं फेस के ऊपर ये फेस पैक रख दूँगी। आप नेक के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, बैक के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। एंड फिर सेम तरीके से जब स्क्रब करके, मतलब थोड़ा सा रगड़ के, हल्के हल्के हाथों से रगड़ के आपको फेस पैक रिमूव करना है ताकि ऊपर के फाइन जो हेयर है वो निकल जाए, डर्ट निकल जाए, स्मूथ सॉफ्ट सपल एंड फ्रेश ग्लोइंग स्किन आपको मिले। और यहाँ पे बस एक यूज़ के अंदर मुझे सारी चीज़ें दिखी है मेरी स्किन के अंदर, आपको दिखी है नहीं आप मुझे बताइएगा। एंड 2-3 दिन के गैप से आपको कोई ना कोई एक DIY फेस पैक, जो चीज़ें घर में अवेलेबल है उनका यूज़ करके एंड आपकी स्किन के ऊपर जो सूट करता है उसके हिसाब से आप फेस पैक ट्राई कर सकते हो। उससे आपको इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों तरीके से ग्लो मिलेगा। ये था आज का वीडियो, आई होप आपको यूज़फुल रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अभी मिलते हैं किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।